अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल टेस्टिंग सर्विस। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी फ़र्स्ट वीडियो बायोनर्जेटिक्स से जो हमने NTS के MCQs डिस्कस किए थे आपको पसंद आई होगी। आज हम सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 से गैसियस एक्सचेंज से। टोटल आज हम 16 MCQs डिस्कस करेंगे जो कि NTS की टेस्ट में आ चुके हैं। तो NTS काफ़ी मरतबा क्वेश्चन रिपीट करता है, तो चांसेज हैं कि ये क्वेश्चन भी रिपीट हों। तो काइंडली आप ये जो पॉइंट्स हैं अपने बुक में हाईलाइट करें या किसी पेपर पे नोट कर लें कि ये MCQs आ चुके हैं ऑलरेडी। तो हम आज प्रोसीड करेंगे चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज पार्ट 1। हम इसमें 16 MCQs डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे जो भी रिमेनिंग MCQs हैं हम वो पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैर वी गो। स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेजिनेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉल ट्रेकियल सिस्टम। अब ट्रेकियल सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जो कि कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैन बी एनहांस्ड बाय एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ। अब आप एक चीज़ याद रखें, राइबुलोज बायोफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट एक कंपाउंड है जो रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से CO2 या ऑक्सीजन को फिक्स कर सकता है। अगर वो CO2 को फिक्स कर रहा है तो इट इज़ फोटोसिंथेसिस। अगर वो O2 को फिक्स कर रहा है तो इट इज़ फोटोरेस्पिरेशन। फोटोरेस्पिरेशन कब होती है? जिन एरियाज़ में टेम्परेचर हाई होता है प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज रखते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट नॉर्मली कम्बाइंस विद द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर टेम्परेचर हाई है, स्टोमेटा क्लोज है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, तो वो भी आप चेक कर लें। ये चैप्टर 11 से भी कंसर्न्ड है और चैप्टर 13 से भी। अब ये क्वेश्चन आप देखें, RuBb प्लस O2 मीन्स ये क्या है? ये फोटो रेस्पिरेशन है। अगर यहाँ पर CO2 होता तो यहाँ पर क्या होता? फोटोसिंथेसिस। RuBb प्लस O2 रुबिस्को के हेल्प से क्या बनाएगा? PgA प्लस फोस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनाएगा? फोस्फोग्लाइकोलेट। फिर आगे जाके फोस्फोग्लाइकोलेट ब्रेक होगा सेरीन प्लस CO2 में। ये है इक्वेशन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। यहाँ पर फेस्फो लिखा हुआ है बट इट इज़ फोस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइसरेट नहीं है, ग्लाइकोलेट है। द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। और यह भी याद रखें कि फोटो रेस्पायरेशन इट इज़ द यूजलेस प्रोसेस जिसमें कोई भी ATP नहीं बनती। ये कब होता है प्रोसेस? जब टेम्परेचर जिन एरियाज़ में हाई होता है तो प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज रखते हैं, तो वहाँ पर O2 की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, तो वो CO2 इतना उन्हें मिल नहीं पाता। देन O2 कम्बाइन विथ RuBp विथ द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। अब ये देखिए गैसेस एक्सचेंज पे क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक दी हुई है गैसेस एक्सचेंज की। तो आपने तीन चीज़ें बुक में मेंशन है कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए, और जो है मेम्ब्रेन जो है मॉइस्ट होनी चाहिए, और सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। अब देखें, वन में बोला है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई यहाँ पर मतलब काम नहीं है, कोई मतलब टेम्परेचर का जिक्र नहीं दिया हुआ बिटवीन एयर एंड एल्विला एंड द ब्लड। नहीं, लार्ज सरफेस एरिया इज़ करेक्ट। टू ऑप्शन विल बी द करेक्ट। देयर शुड बी लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। थर्ड इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन एयर एंड ब्लड। अब डिफ्यूजन ग्रेडेड होना चाहिए, मतलब तभी डिफ्यूजन होगी। एक जगह O2 का लेवल कम होगा तो वो हायर से लोअर मूव करेगी, और CO2 का लेवल कम होगा तो वो हायर टू लोअर में जाएगी। जब बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो वो बाहर जाती है। हम O2 इनटेक कर रहे हैं क्योंकि O2 बॉडी में कम है, इसलिए हम O2 का इनहेल कर रहे हैं। एंड फोर्थ इज इलास्टिक फाइबर। अब याद रखें, इलास्टिक फाइबर्स आर्टरीज में होते हैं, एल्यूला में नहीं होते। 1, 2, 3, 4 1 भी नहीं होगा, 2 and 3 आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब ये क्वेश्चन देखें, फेरेंक्स लीड्स एयर इन टू लैरेंक्स थ्रू एन ओपनिंग इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड ग्लोटिस। एज इट इज़ बुक की लाइन दी गई है, आप चेक कर सकते हैं 318 नंबर पेज पर दी, एज इट इज़ बुक की लाइन। अब डायग्राम के थ्रू आप थोड़ा देख लें कि ये किस तरह है डायग्राम इसकी बनी हुई है। फेरेंक्स, लैरेंक्स, ट्रेकिया, ग्लोटिस, दो डायग्राम्स हैं, आपको चेक कर लें। ये देखें, ये लैरेंक्स है, ये इसोफेगस है, एंड ये ट्रेकिया है। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, फेरेंक्स है, ये एपिग्लोटिस है, और ये इसोफेगस है, लैरेंक्स है। ग्लोटिस बेसिकली नैरोएस्ट पार्ट है लैरेंक्स का। एयर यहाँ से इंटर होकर ही ट्रेकिया में जाती है। तो फेरेंक्स, लैरेंक्स एंड देन ट्रेकिया, PLT, फेरेंक्स, लैरेंक्स एंड ट्रेकिया।
बाय विच प्रोसीजर ऑक्सीजन पास आउट द स्टेम रूट ऑफ अ प्लांट. प्लांट में जो भी एक्सचेंज का मैकेनिज्म है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है मोस्टली. तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका ए होगा. तो रूट और स्टेम से स्पेशली डिफ्यूजन के थ्रू ये प्रोसेस होता है. 94 का ए करेक्ट है. द ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम ऑफ डैश लैक हेमोग्लोबिन. करेक्ट ऑप्शन इज डी. कॉकरोच की जो सिस्टम होता है वेस्क्यूलर उसमें जो है हेमोग्लोबिन नहीं होता. वो जो है ऑक्सीजन डायरेक्ट लेते हैं एटमोसफेयर से और जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है वो डायरेक्टली सेल में डिफ्यूज़ होती है. दैट्स वाई दे डोंट नीड एनी हेमोग्लोबिन. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. The passageways of the respiratory system are lined by the mucus secreting cells called, these are called goblet cells. Goblet cells basically क्या करते हैं, वो mucus secrete करते हैं. Correct option is B. अभी ये question number देखें 138. अब देखें इसमें क्या होता है. अभी ये पूछ रहा है कि oxygen जो है alveoli से कैसे transfer होता है to the tissues. Oxygen combine with the hemoglobin in the alveoli. Alveoli surrounds करते हैं capillary को. तो अब ऑक्सीजन कंबाइन होता है हेमोग्लोबिन से. देन थ्रू द ब्लड ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो मालिक्यूल एक बना हुआ है ये ब्लैक शेड हुई ऑक्सी हेमोग्लोबिन मालिक्यूल है. अब ये ट्रेवल करेगा टू द टिश्यूज थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स. तो टिश्यूज देखें ये मसल बनी हुई है. फॉर एग्जांपल ये टिश्यू है तो मसल इज अ टिश्यू. तो यहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म पे होगा. अब टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजन. दे नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड सो दैट एटीपी मस्ट बी रिलीज्ड. अब क्या होगा कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड जो है वहाँ पर ब्रेक होगा इन द ऑक्सीजन एंड द हेमोग्लोबिन. तो ए बेसिकली क्या शो कर रहा है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन में ताकि टिश्यू पर ऑक्सीजन रिलीज हो. तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैसेज वेज थ्रू विच ए ट्रेवल्स ड्यूरिंग द इनहेलेशन. अब आप याद रखें PLT, जब भी सीक्वेंस में कन्फ्यूजन हो PLT याद रखें, फेरेंक्स लैरेंक्स एंड ट्रेकिया. आप देखें किस ऑप्शन में PLT आ रहा है, फेरेंक्स लैरेंक्स ट्रेकिया डी में आ रहा है. देन टू ब्रोंका एंड एल्यूलाई. एल्यूलाई हमेशा लास्ट में आता है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन डैश एंड डैश आर इन्वॉल्व. अब देखें प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन में क्या होता है कि इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं. एक होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. और डायफ्राम इज द मेन मसल ऑफ रेस्पायरेशन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए. रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन फिश आर कॉल्ड. रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो फिश में होते हैं हम उन्हें गिल्स कहते हैं. सो इट विल बी द सी. फंक्शन ऑफ रेस्पायरेटरी पेसेज सीलिया इज टू कीप द एयरवेज क्लियर ऑफ. तो सीलिया बेसिकली हमें डस्ट से प्रेरण बचाता है. तो डस्ट इट क्लियर द डस्ट. इट विल बी सी. 2019 के टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर. अ पर्सन विथ एम्फाइसीमा मस्ट कॉन्शियसली कॉन्ट्रैक्ट मसल्स इन ऑर्डर टू ब्रीद आउट. व्हाट मेक्स दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन नेसेसरी. अब देखें एम्फाइसीमा एक डीजनरेटिव डिजीज है जिसमें क्या होता है कि एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, डी. लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द एल्वियर वाल्स ड्यू टू द टॉक्सिक कंपाउंड्स. टॉक्सिक कंपाउंड्स इनहेलेशन की वजह से इलास्टिसिटी एल्वियर वाल्स की लूज हो जाती है. तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी. इन विच फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड. अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पे ऑक्सीफूड की ब्रेकडाउन हुई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ. बॉडी से बाहर जाना है कार्बन डाइऑक्साइड को. अब बेसिकली किसे बाहर जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा तीन तरीके से. एक होगा प्लाज्मा में थ्रू द प्लाज्मा प्रोटीन्स बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स. और दूसरा जो मेथड है इसका होगा बाउंड टू द हेमोग्लोबिन. एंड तीसरा मेथड क्या है, मतलब बायोकार्बोनेट की फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होगा. भी आप डायग्राम देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब देखें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाय डिजॉल्व CO2, CO2 बाउंड टू हेमोग्लोबिन एंड बाय कार्बोनेट्स. तो मेजॉरिटी जो फॉर्म है मेजर फॉर्म मोस्टली वो बाय कार्ब में ट्रांसफर होती है, ट्रांसपोर्ट होती है. और सेकंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड टू हेमोग्लोबिन जिसको हम कहेंगे कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन.
ऑप्शन में देख लें, दो ऑप्शन भी आ सकते हैं, कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। आपको सेलेक्ट करना है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। नॉर्मली इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन डिजोल्व सी ओ टू एंड बाय कार्ब। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अगर आपसे पूछे कि मेजरली जो किस ऑप्शन में जो मतलब किस फॉर्म में ये ट्रांसफर होती है, तो उसका ऑप्शन होगा बाय कार्ब, बाय कार्बोनेट्स एच सी ओ थ्री। 60-70% इस फॉर्म में ट्रांसफर होती है। वैसे तो तीनों फॉर्म में ट्रांसफर होती है, 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बाय कार्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम फ्लैटेंस आउट, डायफ्राम नीचे जाता है, डिक्लाइन होता है, और आप एक्सपायर करेंगे तो अप होगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन आप जब सांस लेते हैं तो रिब्स बाहर आएंगी, मतलब रिब्स आर रेज्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आप ये डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब ये देखें, फर्स्ट डायग्राम में इंस्पायरेशन एंड सेकंड में एक्सपायरेशन। आप एक्सपायरेशन में आप एरो देखें, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, और इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो थोरेसिक कैविटी इंस्पायरेशन में एक्सपेंड होती है और एक्सपायरेशन में रिड्यूस होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होते हैं और इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो डायफ्राम डाउन गोइंग होगा, इन द इंस्पायरेशन डायफ्राम इज डाउन गोइंग, मतलब नीचे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एक्सपायरेशन में क्या होगा, अपवर्ड जाएगा। तो ये हमने आज डिस्कस किए 16 MCQs। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी चैप्टर नंबर 14 पे। अभी हमने आज 16 MCQs डिस्कस किए फ्रॉम द NTS पास पेपर्स। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो वीडियो है चैप्टर नंबर 14 पे होगी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें जो भी MCQs पास में डिस्कस हुए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और वीडियोज़ से अप टू डेट रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।